सभी को प्रेज और जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। मेरे जीजो, ये भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से है सभी महिलाओं के लिए। जैसा आपने टाइटल हमने देख लिया होगा, बहुत जरूरी है। आज वर्किंग डे है, छोटी सी प्रार्थना है, छोटा सा संदेश लिए भविष्यवाणी है हर एक महिला के लिए। जो सुनेगा वो आशीषित होगा। आई प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता, जो जैसा आपने बोला वैसे इतराज बोले और इनके जीवन में अद्भुत काम हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने मुझे बोला कि यह हफ्ता महिलाओं के लिए खास है और यह हफ्ते में क्या क्या होने वाला है महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, ये हमें आज जानना है ताकि हम वचन के मुताबिक चल पाए। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि सभी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, यानी कि जितनी भी फीमेल है उनके लिए भविष्यवाणी करनी है। और परमेश्वर वचन भी दिया मुझे ताकि मैं उस वचन के अकॉर्डिंग आप और आपके परिवार के लिए प्रार्थना कर सकूँ। हालेलुया। और जुड़े रहना क्योंकि परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, ये वचन हम सबके जीवन में कार्य करें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन दिया परमेश्वर ने मुझे, अमोस 3:7-8 में लिखा है, अमोस 3:7-8 में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ता पर अपना मरम बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। सिंह गर्जा, कौन ना डरेगा? परमेश्वर यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी ना करेगा? जब परमेश्वर कोई टॉपिक बोलते हैं तो मैं वही आपके सम्मुख आता हूँ। आज जितनी महिला है इस चैनल में जुड़ी हुई है या कोई भी देखे शेयर करे, अब महिलाओं के लिए बहुत अच्छी भविष्यवाणी है। संकट के लिए नहीं है, यह गुड न्यूज़ के लिए है। परमेश्वर इस हफ्ते हर एक महिला को हर संकट से बाहर निकाल लें। यानी कि कोई भी संकट है, नौकरी का हो, कारोबार का हो, घर का हो, परिवार का हो, बीमारी का हो, परमेश्वर इस हफ्ते आपको गुड न्यूज़ भी देंगे, संकट से बाहर भी आओगे, यानी कि गवाही भी तैयार होगी। यानी कि यह हफ्ता आपके लिए सुपर ब्लेस का हफ्ता है, जिसे विश्वास से टाइप करें, आमीन। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर की ओर से बोला है कि यह हफ्ता खास है महिलाओं के लिए। प्रार्थना करें, रिसीव करें और गवाही दें। ये गवाहियों का हफ्ता है। इस हफ्ते बहुत चमत्कार होने वाले हैं महिलाओं के जीवन में। और जब महिलाओं के जीवन में होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, परिवार में हर किसी जीवन में होंगे। अगर एक माँ प्रार्थना कर रही है, माँ की प्रार्थना सुने, तो एक बेटा बदलेगा, एक बेटी बदलेगी। तो परमेश्वर ने कहा यह महिलाओं के लिए है ताकि परमेश्वर उस महिलाओं के जीवन में अद्भुत काम करे। और बस विश्वास से रिसीव करें और हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, जो जो गवाही आपकी लाइफ में आएगी वो मुझे जरूर देना इस हफ्ते। जिसको जो गुड न्यूज़ मिलेगी, जो भी मिलेगा, आप मुझे जरूर बताना। प्रार्थना करेंगे। होली गोस फायर इन द नेम ऑफ जीजस। पिता, ये भविष्यवाणी को मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरा दास भविष्यवक्ता होने के नाते, हर एक महिला पे है, लड़की पे है, पिता परमेश्वर, चाहे इस हफ्ते में इनको कोई भी काम अटकाए वो सब पूरा होगा। गवाही आएगी, चंगाई की गवाही हो, छुटकारे की हो, कैसी गवाही हो, गुड न्यूज़ आएगी, सब कुछ अच्छा होगा, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।